खबर उज्जैन से है। केंद्रीय जेल बैरवगढ़ के अधीक्षक उषा राजे ने लगाया आरोप, कहा मुझे षड्यंत्र कर फंसाया जा रहा है। केंद्र जेल बैरवगढ़ इन दिनों पूरे भारतवर्ष जब से 14 करोड़ रुपयों का गबन किया गया है तभी से सुर्खियों में इन सबसे बीच राज्य शासन ने बैरवगढ़ जेल की अधीक्षक उषा राजे को भोपाल अटैच कर दिया है। ऐसे में अधीक्षक उषा राजे ने मीडिया से चर्चा कर आरोप लगाते हुए यह बताया कि मेरे साथ दुर्भावनापूर्ण तरीके से व्यवहार किया जा रहा है और मुझे षड्यंत्र कर फंसाया जा रहा है। जिन लोगों के गलत काम मेरे द्वारा बंद किए गए हैं उन लोगों ने एक ग्रुप बनाकर षड्यंत्र पूर्वक तरीके से सारे आरोप मेरे ऊपर डाल दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दूर जा रही, सुरक्षित रहूँगी वहाँ, लेकिन अभी रिलीविंग नहीं हुई है। उसके बावजूद भी मेरा पूरा स्टाफ, टाइपिस्ट, मेरे ऑफिस के सब वापस ले लिए गए। ड्राइवर तक, तो मैं गाड़ी चलाऊँ, मैं टाइपिंग करूँ, मैं फाइलें कहाँ ढूँढूँ, कौन देगा मुझे? पूरा स्टाफ वापस ले लिया यहाँ के जेलरों ने। ये कोई बात होती है क्या? जब मैं रिलीव हो जाऊं तो आप बराबर में दे के जाऊंगी सर। वजह क्या है इतना आक्रोश का आपके प्रति? देखा गया यहाँ पे फटाखे फोड़े हैं, ढोल बजाए, मिठाई में, इसकी वजह क्या है? अभी सच्चाई सामने आई, जांच चल रही है। अभी कोई अपराधी हम घोषित नहीं हुए हैं, ना होंगे। सच्चाई है, साइबर क्राइम हुआ है, जिसने किया है बराबर। मशीनें झूठ नहीं बोलेंगी, सबके सामने सच्चाई आएगी। शिकायत और हुई है डीजीपी साहब को भी कि यहाँ पर काफी अनियमितता हुई है, उसकी जाँच के लिए। जांच के लिए मैं खुद मांग रही हूँ, वो क्या मांगेंगे? मैं खुद मांग रही कि जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए, आज से नहीं। गबन कांड के अतिरिक्त जो उनका कहना ये है कि एक साल से ये जेल ठेके पे चल रही थी, ये गलत है, ये पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः असत्य है। ये आप बंदियों से पूछे ना सच्चाई, क्या बंदियों की शिकायत आई कभी? बंदियों ने कहा कि हमें खाना नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ मारपीट हो रही है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये जानबूझ के मुझे प्रताड़, जिनकी दुकानें बंद की, सुनिए ललित भाई, जिनकी गलत दुकानें, चरस, गांजा, अफीम और ये सब धंधे मैंने बंद किए हैं, वो पूरा एक ग्रुप होके, एक जुट होके, और मेरे विरुद्ध षड्यंत्रकारी रचना कूट रहे, रचित रचना रच के ये सब कर रहा। 2014 से रिपु दमन यही था, 2014 से था, काम कर रहा था, कर रहा था बराबर, लेकिन ये चीज ऐसी इंसानियत। मैडम, ये शासन ने आपको जो हटाया, आपके विभाग ने, ये कार्रवाई सही हुई आपके ऊपर, गलत करी है? मैं तो खुद इच्छुक थी, क्योंकि मेरे ऊपर बराबर अटैक हो रहे थे, हमला हो रहे थे यहाँ पर। मैं और मेरी बेटी सुरक्षित नहीं थे। आपने देखा नारेबाजी हो रही है, कुछ विरोधी पार्टी के लोग मेरे बंगले के गेट पर चढ़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे, चिल्ला रहे। एक महिला के साथ इतना अत्याचार ठीक नहीं है। नियम अपनी जगह है, लेकिन मानवता अपनी जगह है। सही, मतलब जिससे आप संतुष्ट हैं, गलत मानते हैं कि आपको पर जो कार्रवाई करी है गलत है, सही है कि गलत है? मैं तो देखिए ना इसको सही कहूँगी ना गलत कहूँगी, जो शासन का आदेश है उसका मैं सहर्ष पालन करूंगी। ठीक।